गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं आपके लिए हाउ टू ड्रॉ एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, आपके थ्योरी के एग्जाम के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस ड्राॅइंग के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपसे आज एक स्नैक के डायग्राम की। जब कभी भी आप प्रैक्टिकल में रेप्टाइल क्लास को पढ़ते हो, क्लास रेप्टीलिया, तो उसमें हमें स्नेक का डायग्राम बनाना होता है, या फिर अगर हम लोग थ्योरी में फूड चेन को पढ़ रहे हैं, खाद्य श्रृंखला को, तो वहाँ पर भी स्नेक का डायग्राम हमें बनाना होता है। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्नेक को इजीली ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए अपनी पेंसिल और कॉपी रेडी कर लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ में। बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप एक ईजी स्नेक का डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग करेंगे स्नेक के हेड से और हम हुड के साथ में स्नेक को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से हमने एक लाइन खींच दी और इसके बाद इसी लाइन को हम नीचे से थोड़ा सा डबल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आई बनाएंगे, ठीक है। तो आई के लिए मैं थोड़ा पतला मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। ये हमने इसकी आई बना दी। इसके बाद इसी लाइन को हम थोड़ा सा डबल कर देंगे ताकि इसका माउथ यहाँ पर हम शो कर सकें। फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर थोड़ा सा ऐसे ऐसे हम बेंड कर देंगे और फिर यहाँ से भी इसी तरीके से हम इसे लाएंगे। इसके बाद हमें इसके बीच का पोर्शन बनाना है जो कि लाइंड होता है। तो मैंने एक यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लिया और एक ऐसे खींच लिया, ठीक है। इस पर हम इस तरह से लाइंस दे देंगे। इसको भी मैं नीचे जाके कंटिन्यू करूँगा। इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं इस तरीके से और इस वाले पोर्शन को हम ऐसे ले आते हैं। तो ये हमारा स्नेक का जो हेड है वो रेडी हो गया। इसके बाद हम इस लाइन को यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से ऐसे, और इस वाली लाइन को भी हम यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इसमें हम लोग इस तरह से लाइनिंग्स डाल देंगे। और इस लाइन को यहां पर इस तरीके से ले आएंगे। इतना करने के बाद में अब इसकी बॉडी के बाकी हिस्से को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से यहां से जाएगा। यहां तक इसे हम ऐसे ले आते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है कि आप ऐसे कैसे मोड़ो, क्योंकि बॉडी उसकी किसी भी तरह से बेंट हो सकती है, मुड़ सकती है। तो मैंने इसे इस तरह से दिखा दिया। आप इसे किसी और वे में चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये लाइन्स हमें सभी जगह पर बनानी होती हैं, पर इससे बहुत टाइम टेकिंग डायग्राम हो जाएगा, तो टाइम ज़्यादा ना लगे क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो बस इस तरीके से कहीं कहीं पर हम लोग लाइनिंग्स को डाल देंगे बॉडी में यहाँ पर। और फाइनली हम इसकी यहाँ पर टंग बनाएंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, जो कि बिफिड होती है इस टाइप से। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही इजी वे में स्नेक को बना लिया। अब एक फाइनल चीज़ रह गई है जो मैं बनाता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से आप इसे बना देना और इन पर इस तरह से लाइंस डाल देना। इसके हुड में इस तरीके से बना होता है। तो ये आपका देखिए, तो बहुत ही कम टाइम में आपने देखा कि आपने इजीली स्नेक को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसके डायग्राम को लेवल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसका हुड हो गया। हुड माने होता है फन, ओके। दिस इज द आई। यहाँ पर टंग है, यहाँ पर नाक में एक छोटा सा छेद बना देते हैं जो छूट गया था, उसे हम लोग लिखेंगे नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रिक का मतलब होता है नासा छिद्र। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्केल्स हैं तो इनको हम लोगों ने लिख दिया स्केल्स। इसके बाद ये इसका बेली है, बेली यानी पेट वाला हिस्सा जो होता है वो आपको दिख रहा होगा। फिर ये हिस्सा बैक का होता है तो इसे हमने बैक लिख दिया। और फाइनली ये हिस्सा होता है टेल का, तो ये हमने यहाँ पर टेल लिख दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। आप टंग के साथ में यहाँ पर माउथ भी लिख सकते हो, तो इट इज़ द माउथ।
और ये जो हुड है इसे आप लोग ब्रैकेट में इसको हेड भी लिख सकते हैं क्योंकि एसी का ये हेड भी होता है और ये इसका हुड होता है। तो ये तो मैंने इसका डायग्राम बना दिया, अब हम लोग यहाँ पर इसका नाम भी लिख लेते हैं। इसका जो नाम है कॉमनली तो इसे आप लोग इंडियन स्नेक बोलते हो, भारतीय सांप, इंडियन कॉमन स्नेक और कोबरा इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो ये था डायग्राम, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही इजीली आपका ड्रॉ हो गया होगा और बहुत अच्छा बना होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा डायग्राम आपने बना पाया यहाँ पर, और ये भी साथ में बताइएगा कि अगला डायग्राम आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।